तो दोस्तों अगर आप लोग ड्रीम इलेवन से पैसा कमाना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए सपना है आपका, तो दोस्तों आप लोग कितना भी प्रेडिक्शन कुछ भी कर ले दोस्तों, आप लोग कभी भी पैसा नहीं जीत पाएंगे। आखिरकार मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं जीतवाना चाहता हूँ और मैं खुद इस ट्रिक से जीता हूँ। कप्तान हूँ, कप्तान की ऐसी धांसु ट्रिक दूंगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी ट्रिक कोई नहीं देता होगा दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको कप्तान हूँ कप्तान दोस्तों बना करके जितवा सकता हूँ। दोस्तों जब तक आप लोगों के ग्रेप्त में कप्तान हूँ कप्तान नहीं आते, तब तक आप लोग कितनी भी अच्छी क्यों ना टीम बना ले, आप लोग दोस्तों बार बार ड्रीम इलेवन में दोस्तों टीम बनाने से आपकी रैंक घट जाती है और आपका सिलेक्शन परसेंटेज काफी बेकार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग आज के मैच में आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग इलेवन के बारे में टिप्स एंड ट्रिक, कप्तान कप्तान कौन सा खिलाड़ी प्रबल दावेदार है, आरसीबी की तरफ से कौन खिलाड़ी दोस्तों पंजाब किंग्स इलेवन की टीम की तरफ से दोस्तों कप्तान उप कप्तान बन सकता है, पूरा डेटा लेकर के आया हूं। उसी के बेस पर आपको दोस्तों एक ऐसा टीम बना करके दूंगा, सेफ कप्तान उप कप्तान दोस्तों दूंगा और रिस्की कप्तान उप कप्तान दूंगा दोस्तों आपको, दोस्तों गेंदबाजी से वाइस कैप्टन बनते हुए। और दोस्तों पूरे आईपीएल में कितने कप्तान आए हैं, कितना सिलेक्शन परसेंटेज है, वो डाटा भी लेकर के आया हूं। आईपीएल के सभी कप्तान आपके यहां एक नजर में होंगे और वाइस कैप्टन एक नजर में होंगे, कितने पॉइंट्स दिए, कितना सिलेक्शन रेट है, सब कुछ दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों अगर आईपीएल 2024 में पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों यहां पे पता है ड्रीम इलेवन में दोस्तों आपको जब भी आप लोग दोस्तों यहां पे पैसा जीतेंगे, जिस दिन आपकी दोस्तों भगवान की मर्जी हो गई उस दिन आप उसी खिलाड़ी को दोस्तों ड्रीम इलेवन में टीम बनाते, क्योंकि ड्रीम इलेवन में दोस्तों कुछ किस्मत लक भाग सब कुछ साथ देता है। जो लोग दोस्तों भगवान को नहीं मानते वो लोग उनकी किस्मत नहीं साथ देगी, आप इस बात को लिख कर ले लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग भगवान को मानना शुरू कर दीजिए और कप्तान उप कप्तान जिस दिन आपके भगवान प्रसन्न हो गए दोस्तों उस दिन आपको जरूर कप्तान उप कप्तान ड्रीम इलेवन की टीम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आरसीबी की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी जो कप्तान उप कप्तान बनने के प्रबल दावेदार है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ आपको विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, कौन, विराट कोहली। दूसरे नंबर पर दोस्तों आरसीबी की तरफ से कप्तान उप कप्तान बनने के आज मैच में प्रबल दावेदार विराट कोहली है, क्योंकि पिछले मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो इस मैच में जरूर दोस्तों विराट कोहली प्रदर्शन करके देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे बात कर ले तो दूसरे नंबर पर फाफ डुप्लेसिस की फॉर्म, शुरुआत में इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी करी तो फाफ डुप्लेसिस भी आज के मैच में आरसीबी की तरफ से दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम में कप्तान कप्तान बेहद आराम से इनको लोग अपने टीम में लेंगे और ये भी बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं दोस्तों। फाफ डुप्लेसिस भी आपको ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। वही दोस्तों मैक्सवेल भी पिछले मैच में थे, अगर मैच आता तो मैक्सवेल विराट कोहली को ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये कप्तान कप्तान जरूर बन सकते हैं, अकेले दम मैच जिताने की दमखम रखते हैं। विराट कोहली या फिर मैक्सवेल हो, कोई भी खिलाड़ी दोस्तों आपको एक दिन में दोस्तों कप्तान कप्तान एक पारी में दोस्तों बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के मैच में जो खिलाड़ी पिछले मैच में नहीं चले थे उन खिलाड़ियों को यहाँ पे दोस्तों कप्तान कप्तान का दोस्तों प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। तो मैक्सवेल की बात करते हैं कि यहाँ पे मैक्सवेल भी आरसीबी की तरफ से प्रबल दावेदार कप्तान कप्तान बन सकते हैं। वही दोस्तों कैमरान ग्रीन पिछले मैच में वाइस कैप्टन बने हुए, तो यहाँ पे कैमरान ग्रीन भी दोस्तों आज के मैच में कप्तान कप्तान आरसीबी की टीम की तरफ से दोस्तों ये भी कप्तान कप्तान बनने के हकदार हैं। वही दोस्तों गेंदबाज की तरफ से दोस्तों आपको गेंदबाज वाइस कैप्टन, गेंदबाज ऐसा चुनना है जो आपको 3 विकेट कम से कम लेकर के दे, वो वाइस कैप्टन कप्तान जरूर बन सकता है। जो दोस्तों मयंक डागर है और दोस्तों मोहम्मद सिराज हो गए, ये दोनों गेंदबाज आरसीबी की तरफ से लग रहा है कि दोस्तों अगर ये 2-3 विकेट निकालते तो आराम से कप्तान कप्तान बन सकते हैं। बट दोस्तों कौन कौन बनेंगे वो तो अभी आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करना है दोस्तों, आप लोग यहां पे बहुत ही बड़ी गलती कर देंगे। तो दोस्तों अगर बात करें अनुज रावत, यंग खिलाड़ी है आरसीबी के दोस्तों, पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे तो इस खिलाड़ी के दोस्तों आज के मैच में हकदार बन रहे हैं कप्तान कप्तान बनने का। ये दोस्तों रहा आरसीबी के पूरे जो आज के खिलाड़ी हैं कप्तान कप्तान, इनको अपने टीम में ले जा सकते हैं, इनका डाटा भी दोस्तों अभी आपको बताऊंगा और देख सकते हैं। पंजाब किंग इलेवन की तरफ से अगर बात की जाए कि कौन कौन से खिलाड़ी जो कप्तान कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं, तो दोस्तों पंजाब किंग इलेवन की तरफ शिखर धवन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद जानी बेरेस्टो आपको कप्तान कप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जितेश शर्मा दोस्तों, जितेश शर्मा विकेट कीपर से ये भी बहुत ही खतरनाक विकेट कीपर है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, अपने टीम के तरफ जिता सकते हैं। जानी ब्रेस्टो की बल्लेबाजी की कोई लाजवाब दोस्तों, यहां पे जानी ब्रेस्टो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करके दे सकते हैं, आपको यहां पे देख सकते हैं।
शिखर धवन जिस दिन चलेंगे उस दिन आपको कप्तान कप्तान ड्रीम टीम में बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों सैम करन पिछले मैच में जबरदस्त तरीके से कप्तान बने थे और दोस्तों इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टीम को जीत भी दिलाई, पंजाब किंग्स इलेवन की टीम जीत करा रही है। तो सैम करन भी दोस्तों प्रबल लवेदार बन चुके हैं एक बार, अब दोबारा कब बनेंगे वो भी दोस्तों मायने रखता, क्योंकि दोस्तों जो कप्तान कप्तान पिछले बार बन चुके उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर लोग फोकस कर देते हैं जिसकी वजह से वो गलती कर जाते हैं। आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी कप्तान कप्तान चुनने में वो भी बताऊंगा। और दोस्तों लियाम लिंगस्टोन ये भी खतरनाक ऑलराउंडर है पंजाब किंग्स इलेवन की तरफ से, ये भी आज के मैच में कप्तान उपकप्तान बनने के प्रबल दावेदार है। वही दोस्तों अर्शदीप सिंह की बात करें तो गेंदबाजी सेक्शन से आपको 2-3 विकेट आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अर्शदीप सिंह आपको दोस्तों 2-3 विकेट निकालेंगे तो कप्तान या वाइस कैप्टन 100% बन सकते हैं। वही दोस्तों हर्षल पटेल भी बहुत ही खतरनाक गेंदबाज, एक बार के दोस्तों ये पर्पल कैप के विनर भी रह चुके हैं, तो ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपको जबरदस्त तरीके से क्या है वाइस कैप्टन बन सकता है दोस्तों। बट इसको लोग विश्वास नहीं कर रहे, फिर भी ये खतरनाक ट्रम्प कार्ड गेंदबाज साबित हो सकता है आरसीबी टीम की तरफ से, क्योंकि आरसीबी की तरफ से खेल चुके हैं और आरसीबी के हर एक खिलाड़ी की कमजोरी जानते हैं दोस्तों। वही कसगर रबाडा की बात करते हैं, ये दोस्तों साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी गेंदबाज बहुत ही जबरदस्त है, ये भी आज के मैच में कप्तान कप्तान बहुत ही आराम से बन सकता है। तो आपके सामने दोस्तों सभी यहां पे देख सकते हैं आरसीबी के और दोस्तों यहां पे पंजाब किंग्स इलेवन के खिलाड़ियों का डाटा भी आपको बता। चलिए दोस्तों पिछले मैच की अगर हम बताना चाहें आपको कि दोस्तों जो मैच हो रहे हैं शुरुआत से उनमें कौन कौन से खिलाड़ी ड्रीम टीम में आ चुके हैं, तो दोस्तों टाटा आईपीएल 2024 में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कप्तान उपकप्तान बन चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले मैच में आरसीबी वर्सेस चेन्नई के बीच में दोस्तों मुश्ताकुर रहमान ने 4 विकेट चटका करके कप्तान का दर्जा हासिल किया था। और इस खिलाड़ी का सिलेक्शन रेट की बात करें दोस्तों मुश्ताकुर रहमान कप्तान बने थे पहले मैच में, देख सकते हैं 9.7% लोगों ने लिया था। कितने परसेंट दोस्तों 9.7% लोगों ने लिया था और बहुत कम सिलेक्शन रेट था, बहुत कम लोग इनको अपने टीम में ले रहे थे। 0.17% लोग मात्र इनको कप्तान बना रहे थे, कितना 0.17% लोग मुश्ताकुर रहमान को कप्तान बना रहे थे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग दोस्तों आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली है पूरा वीडियो जरूर देखिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप करते हैं दोस्तों तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक डाटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों 0.17% लोग हाई, एक तरफ विराट कोहली, मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसिस और एम एस धोनी जैसे दिग्गज बल्लेबाज के सामने दोस्तों 0.17% वाला कप्तान आखिरकार क्यों बन जाता है। सिलेक्शन रेट 9.7% सिलेक्शन रेट है, इतना कम सिलेक्शन रेट दोस्तों 240 पॉइंट देकर जाता है फैंटेसी टीम में मुश्ताकुर रहमान, जो कि पता बांग्लादेश के गेंदबाज हैं, एक जमाने में इनकी रोहन सिंह धोनी के साथ लड़ाई भी हो गई थी दोस्तों रनिंग द बिटवीन करते समय। तो वही खिलाड़ी आज दोस्तों सीएसके की टीम में कप्तान बन गया है ड्रीम टीम में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पहले मैच में तबाही मचा दिया। और दोस्तों वही आरसीबी की तरफ से कैमरान ग्रीन को बहुत कम लोग ले रहे थे, मैक्सवेल की तरफ ज्यादा लोग मूव कर रहे थे और दोस्तों वाइस कैप्टन बहुत सारे लोग फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल इनको बना रहे थे। वही दोस्तों कैमरान ग्रीन मुंबई इंडियंस की तरफ से पिछले साल खेल रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं 62.02% लोग कैमरान ग्रीन को लिया था। इन्होंने दोस्तों देख सकते हैं वाइस कैप्टन इनको लोग कितने परसेंट चुने थे, 4.96% लोगों ने कैमरान ग्रीन को वाइस कैप्टन चुना था। और दोस्तों इस बल्लेबाज ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी, रन बनाया 18 रन, 2 विकेट झटके, तब दोस्तों 121 पॉइंट दिया और वाइस कैप्टन फैंटेसी टीम में बन गया। अब दोस्तों वही सैम करन की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं ये पंजाब किंग्स इलेवन के कप्तान बने थे पिछले मैच में, दूसरे मुकाबले में, मैच के दूसरे मुकाबले में जिसमें दिल्ली के साथ मैच हुआ था दोस्तों सैम करन, उसमें देख सकते 83% लोगों ने इनको अपने टीम में सिलेक्ट किया था और 7.96% लोग इनका कप्तानी का सिलेक्शन रेट था सैम करन का, और देख सकते हैं यहां पे 170 पॉइंट्स दिए थे। तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से आपको कप्तान उपकप्तान बनते हुए भी दिखाई देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 170 पॉइंट। उस मैच में दोस्तों खलील अहमद दोस्तों वाइस कैप्टन बने थे, 90 पॉइंट्स दिए थे ड्रीम टीम में। और दोस्तों तीसरे मैच में आईपीएल के तीसरे मैच में आंध्र रसेल देख सकते हैं तूफानी पारी केकेआर की तरफ से खेल करके अपनी टीम को जबरदस्त जीत दिलवाई और देख सकते हैं बहुत 8 छक्के 7 छक्के मारे थे आंध्र रसेल ने, 85% सिलेक्शन रेट था, 18.69% सिलेक्शन, ये दोस्तों हाई परसेंट सिलेक्शन रेट से कप्तान बने थे आंध्र रसेल, 286 पॉइंट दिए थे अपनी टीम के लिए। उसी मैच में दोस्तों हेनरी क्लाइसन की बल्लेबाजी लाजवाब तरीके से थी, हेनरी क्लाइसन भी बहुत जबरदस्त से हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे, 85.10% लोग इनको अपने टीम में लिए थे हेनरी क्लाइसन को, 5.88% लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाए थे, 145.5 पॉइंट ड्रीम टीम में इन्होंने दिया था हेनरी क्लाइसन ने। अब दोस्तों चौथे मैच में संजू सैमसन ने जबरदस्त पारी खेली और देख सकते यहाँ पे दोस्तों 59.35% लोगों ने संजू सैमसन को लिया था, एक तरफ यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर जैसे दिग्गज बड़े बड़े खिलाड़ी लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों संजू सैमसन को
कोई ले नहीं रहा था, सिलेक्ट नहीं कर रहा था। और ये दोस्तों ड्रीम इलेवन इनकी कप्तानी का सिलेक्शन परसेंटेज संजू सैमसन की बात की जाए तो 3.98% लोगों ने इनको अपने टीम में लिया था। देख सकते 226 पॉइंट संजू सैमसन ने दिए थे चौथे मैच में। उसी मैच में दोस्तों केएल राहुल कितने 80.87% सिलेक्शन रेट था। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल दोस्तों 12.23% लोगों ने इनको अपने टीम में लिया था, 144 पॉइंट ड्रीम टीम में दिए थे। अब दोस्तों लास्ट का जो कल मुकाबला हुआ तो उसमें दोस्तों देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह दोस्तों गेंदबाज के तौर पर, जीधर एक तरह रोहित शर्मा जैसे, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज कप्तान नहीं बन पाए। उसमें दोस्तों जसप्रीत बुमराह 88.92% लोगों ने इनको अपने टीम में लिया था, 5.31% लोगों ने इनको अपने टीम में दोस्तों कप्तान बनाया था, 196 पॉइंट्स दिए। और दोस्तों इसी मैच में एम उमर जई अफगानिस्तान के यंग ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों देख सकते हैं ये वाइस कैप्टन बने थे और 74.29 पॉइंट इन्होंने दोस्तों इनका सिलेक्शन रेट था, 60.91% लोग वाइस कैप्टन के लिए इनका सिलेक्शन रेट था, 129 पॉइंट दिए। तो आपने दोस्तों टाटा आईपीएल के सभी कप्तान उपकप्तान जो अभी तक बने हैं उनको देख लिया, आपको कैसा लगा? यहां पे दोस्तों कभी लो सिलेक्शन परसेंटेज से कप्तान बन जाता है तो कभी आंध्र रसेल जैसे बल्लेबाज हाई सिलेक्शन परसेंटेज से भी कप्तान बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं इस मैच में दोस्तों अगर बात की जाए तो ये दोस्तों आपने पूरा डाटा देख लिया। अब बात कर ले यहां पे दोस्तों कौन से कप्तान बन सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत ही मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाया जा रहा है पूरा डाटा निकाल करके। देख सकते हैं विराट कोहली की अगर बात की जाए तो विराट कोहली का 90% सिलेक्शन रेट है आज के मैच के लिए, 90% सिलेक्शन रेट है इनको लोग, 19.13% लोग विराट कोहली को कप्तान बना रहे हैं, 13.13% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो ये दोस्तों विराट कोहली दोस्तों देख सकते हैं इनका सिलेक्शन रेट कप्तानी के लिए। वही दोस्तों फाफ डुप्लेसिस की बात करें 88% इनका टीम में सिलेक्शन रेट है फाफ डुप्लेसिस का। और दोस्तों अगर बात करें फाफ डुप्लेसिस का 20.13% लोग डुप्लेसिस को क्या बना रहे, कप्तान बना रहे, 10.52% लोग वाइस कैप्टन बना रहे फाफ डुप्लेसिस को, ये सिलेक्शन रेट देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैक्सवेल की बात करो तो 88% सिलेक्शन रेट है, 16.98% लोग कप्तान बना रहे फिर से मैक्सवेल को और 12.38% लोग वाइस कैप्टन बना रहे ग्लेन मैक्सवेल को। वही दोस्तों कैमरन ग्रीन की बात की जाए तो 83% लोग फिर से इनको लोग टीम में ले रहे हैं, 8.4% लोग कैमरन ग्रीन को कप्तान बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए 14.81% लोग वाइस कैप्टन बना रहे कैमरन ग्रीन को। और दोस्तों मयंक डागर की बात करें तो कप्तान के तौर पर इनको लोग 4% लोग दोस्तों इनको टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं और कप्तान के टाइम मतलब कप्तान के तौर पर 0.07% बहुत कम सिलेक्शन रेट है और वाइस कैप्टन मयंक डागर को 0.11% लोग अपने टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं। वही दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज का टीम में सिलेक्शन रेट 63% है, पहले मैच में इनका सिलेक्शन रेट ज्यादा था, अब की मैच में दोस्तों कम हो गया। मोहम्मद सिराज मार बहुत खाते पूरे आईपीएल में, 2.51% लोग इनको कप्तान बना रहे मोहम्मद सिराज को, 3.59% लोग वाइस कैप्टन बना रहे मोहम्मद सिराज को। और दोस्तों यहां पर बात कर ले तो अनुज रावत जो कि विकेट कीपर यंग बल्लेबाज है, 0.87% लोग अनुज रावत को कप्तान बना रहे, 1.04% लोग अनुज रावत को वाइस कैप्टन बना रहे। तो ये रहा दोस्तों आरसीबी के खिलाड़ियों का डाटा जो इस मैच में होने वाला है कप्तान उपकप्तान सिलेक्शन डेट। उसके बाद दोस्तों अगर बात कर ली जाए पंजाब किंग 11 की तरफ से कप्तान उपकप्तान किसको बनाया जा रहा है, देख सकते हैं शिखर धवन की बात करें तो 74% सिलेक्शन रेट है और 4.33% लोग शिखर धवन को कप्तान बना रहे हैं। शिखर धवन को दोस्तों देख सकते हैं 5.98% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। वही दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो की बात करें बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज जिस दिन चलेगा उस दिन तबाही आ जाएगी, 41% लोग इनको अपने टीम में ले रहे हैं, 2.89% लोग जॉनी ब्रेस्टो को कप्तान बना रहे हैं, 3.42% लोग जॉनी ब्रेस्टो को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। उसके बाद जितेश शर्मा विकेट कीपर है दोस्तों पंजाब की तरफ से और इनका 63% सिलेक्शन रेट है, 0.83% लोग जितेश शर्मा कप्तान बना रहे, 1.29% लोग जितेश शर्मा को वाइस कैप्टन बना रहे। उसके बाद सैम करन दोस्तों पिछले मैच में कप्तान बने थे, सैम करन को 89% लोग टीम में ले रहे हैं, 14% लोग दोस्तों देख सकते हैं कितना हाई सिलेक्शन परसेंटेज इनका सैम करन का, 14.23% लोग क्यों सिलेक्शन रेट इनका हाई होगा, पिछले मैच में कप्तान बन गए इस मैच में भी लोग इनको ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी गलती है तो आपको इनको कप्तान नहीं बनाना। और दोस्तों 17.86% लोग सैम करन को वाइस कैप्टन बना रहे। उसके बाद लियाम लिंगस्टोन खतरनाक ऑलराउंडर 63% सिलेक्शन रेट है, उसके बाद 1.88% लोग लियाम लिंगस्टोन को अपने टीम में ले रहे हैं, 3.72% लोग वाइस कैप्टन ले रहे हैं। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 74% लोग अपने टीम में सिलेक्शन रेट है इनका और 2.24% लोग अर्शदीप सिंह को वाइस कप्तान बना रहे हैं, 3.08% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं अर्शदीप सिंह को। वही दोस्तों हर्षल पटेल की बात करें तो टीम में हर्षल पटेल का सिलेक्शन रेट 45% है और 0.81% लोग टीम में इनको कप्तान बना रहे हैं हर्षल पटेल को और दोस्तों हर्षल पटेल को टीम में 1.67% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। कशिको रवाडा की बात की जाए तो देख सकते 52% सिलेक्शन रेट है और देख सकते 2.28% लोग इनको टीम में बना रहे, 2.81% लोग वाइस कैप्टन बना रहे।
तो अब दोस्तों बारी आती कि अब कप्तानों कप्तान आज किसको बनाया जाएगा जबरदस्त तरीके से। तो चलिए दोस्तों कप्तानों कप्तान बना देते हैं। सेफ टीम के लिए आपको कप्तान मिलने वाले और रिस्की टीम के लिए कप्तानों कप्तान। सॉरी दोस्तों आपने पूरा डाटा देख लिया होगा। अब दोस्तों कप्तानों कप्तान की बारी आती है। तो दोस्तों पहला सेफ टीम के लिए हम कप्तान बनाना चाहेंगे, किसको बनाना चाहेंगे सेफ टीम के लिए दोस्तों, हम यहाँ पे फाफ डुप्लेसिस को कप्तान बनाएंगे। फाफ डुप्लेसिस को कप्तान बनाएंगे, किसको? फाफ डुप्लेसिस को कप्तान बनाएंगे सेफ टीम के लिए। फाफ डुप्लेसिस को कप्तान बनाएंगे, डुप्लेसी को कप्तान बनाएंगे सेफ टीम के लिए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और दोस्तों सेफ टीम के लिए वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे सेफ टीम के लिए दोस्तों, हम एक बार फिर से सेफ टीम के लिए दोस्तों लियाम लिंगस्टोन या फिर सैम करन में से दोनों में से एक को आप सैम करन को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सैम करन को वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। सैम करन को दोस्तों वाइस कैप्टन वीसी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वीसी वीसीसी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, हमने सेफ टीम के लिए कप्तान फाफ डुप्लेसिस को ट्राई कर लिया और वीसी किसको ट्राई किया? सैम करन को। अब दूसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो सेफ टीम के लिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोग किसको कप्तान ट्राई कर सकते हैं, तो कप्तान दोस्तों यहाँ पे बात कर ली जाए तो लियाम लिंगस्टोन को ट्राई कर सकते हैं। लियाम लिंगस्टोन को आप लोग दोस्तों लिंगस्टोन को आप लोग क्या कर सकते हैं सेफ टीम के लिए दोस्तों कप्तान बना सकते हैं। और दोस्तों बात कर ले यहाँ पे वाइस कैप्टन किसको ट्राई कर सकते हैं, तो विराट कोहली को आप लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। विराट कोहली को आप लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सेफ टीम के लिए दोस्तों इनका सिलेक्शन डेट वाइस कैप्टन के 13% सिलेक्शन डेट है। तो विराट कोहली को दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं वाइस कैप्टन। अब दोस्तों तीसरा कॉम्बिनेशन अगर बात की जाए तो तीसरे कॉम्बिनेशन आप लोग दोस्तों यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हो गए हमारे सेफ के, और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों आप लोग को बात की जाए तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे विराट कोहली को आप लोग क्या कर सकते हैं कप्तान बना सकते हैं। पिछले मैच में नहीं चले थे विराट कोहली, इनको कप्तान बना सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा दूसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों आप लोगों को बता दें यहाँ पे आप लोग किसको क्या बना सकते हैं दोस्तों, काशिगो रबाडा या फिर दोस्तों हर्षल पटेल को, या फिर दोस्तों आप लोग शिखर धवन, जैसे कि शिखर धवन बल्लेबाज हैं तो दोस्तों देखना होगा कि अगर गेंदबाजी बहुत जबरदस्त होती है तो अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टन बना सकते हैं गेंदबाज के तौर पर, क्योंकि गेंदबाज भी दोस्तों अगर आपको 3 विकेट लेकर के देगा तो वाइस कैप्टन आराम से बन जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका कौन सा सेफ टीम के लिए कप्तान कप्तान, हम 3 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जबरदस्त तरीके से और 100% गारंटी ले रहे कि आपको इन्हीं दोस्तों कप्तान कप्तान लेकर के चलना है जो हमने पेयर बनाया है। अब दोस्तों अगला पेयर की बात की जाए तो यहां पे आप लोग कप्तान कप्तान किसको चुन सकते हैं दोस्तों, मैक्सवेल को आप लोग रिस्की टीम में कप्तान चुन सकते हैं। पिछले मैच में मैक्सवेल नहीं चले तो दोस्तों इस मैच में जरूर मैक्सवेल की तूफान आने वाली है, तो मैक्सवेल को आप लोग क्या कर सकते हैं कप्तान चुन सकते हैं। कप्तान रिस्की रहेगा बट दोस्तों जरूर ट्राई करना, कप्तान चुन सकते हैं। और दोस्तों वही वाइस कैप्टन की बात करें तो आप लोग दोस्तों किसको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, वाइस कैप्टन आप लोग दोस्तों यहां पे ट्राई कर सकते हैं। किसको दोस्तों बात कर लेते हैं, लियाम लिंगस्टोन को आप लोग रिस्की टीम में दोस्तों, दोनों ऑलराउंडर रहेंगे। लियाम लिंगस्टोन को आप लोग क्या कर सकते हैं, लियाम लिंगस्टोन को आप लोग दोस्तों वीसी ट्राई कर सकते हैं, वीसी लियाम लिंगस्टोन को ट्राई कर लेना। और दोस्तों दूसरा कॉम्बिनेशन अगर बात करें तो कैमरान ग्रीन को क्या कर लेना दोस्तों, कप्तान ट्राई कर लेना। और दोस्तों आरसीबी के ऑलराउंडर कैमरान ग्रीन को आप लोग दोस्तों ये कप्तान ट्राई करना। और दोस्तों यहां पे बात करें शिखर धवन को आप लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में रिस्की जरूर रहेंगे बट दोस्तों शिखर धवन अगर चल गए तो बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों रिस्की बल्लेबाज आपको बात कर ले यहां पे दोस्तों आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग रिस्की कप्तान ट्राई करना चाहें तो आप लोग किसको कर सकते हैं रिस्की कप्तान के तौर पर दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पे दोस्तों रचत पाटीदार एक खिलाड़ी, रचत पाटीदार पिछले मैच में नहीं चले थे, रचत पाटीदार दोस्तों इसमें नहीं है, रचत पाटीदार को आप लोग ट्राई कर सकते हैं रिस्की कप्तान के तौर पर। और जानी ब्रेस्टो को दोस्तों यहां पे वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, जानी ब्रेस्टो को आप लोग वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग किसको यहां पे मोहम्मद सिराज को भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ये गेंदबाज भी दोस्तों आपको आरसीबी की तरफ से 2-3 विकेट आराम से निकाल सकता है, इसके अंदर काबिलियत जरूर है दोस्तों, मार जरूर खाता मगर विकेट्स भी ले सकता है, तरफा विकेट लेगा जिस दिन। तो दोस्तों आप लोगों को ये कप्तान और कप्तान का जो हमने कॉम्बिनेशन बताया, कप्तान और कप्तान का सिलेक्शन रेट, और आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इन्हीं में से दोस्तों कप्तान और कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। 3-3 कॉम्बिनेशन सेफ के लिए, 3 वाइस कैप्टन रिस्की टीम के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते फिर आपको अगले वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।